जिन वैज्ञानिकों का यान बनाने में हाथ है उनके प्रति हमारी सहानुभूति है, उनको धन्यवाद है। यंत्र बनाने में समय लगता है, यंत्र का मूल तंत्र होता है, तंत्र का मूल मंत्र होता है। मंत्र का अर्थ होता है अनुगत सिद्धांत, तंत्र का अर्थ होता है वह प्रोसेस, विधा, मेथड जो सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचा सके, जिसके द्वारा उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, संगत, पंचकृत्य में एक या एक से अधिक कृत्य का निर्वाह हो, उसका नाम यंत्र होता है। जिसमें कृत्रिम प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का आधान किया जाता है, उसका नाम होता है महायंत्र। समय की बचत, संपत्ति, समय की बचत, श्रम की बचत, सहयोगी की बचत, उत्पादन अधिक और खपत अधिक, ये महायंत्रों के निर्माण का प्रयोजन होता है। आगे एक बार ये प्रयास विफल हो चुका है, आपको आशा है इस बार सफल होगा? ऐसा है कि जिसने बल्ब को बनाया, एडिसन थॉमस, अपने जीवन में 10,000 बार असफल रहे, लेकिन घुटना नहीं टेका, तो अंत में उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर लिया। यहाँ तो एक ही बार, हम ये नहीं कह रहे कि 10,000 बार असफल रहे, इसलिए असफलता आती है, वो असफलता जो है सफलता की नींव बन जाती है। असफलता पर जब विचार व्यक्ति करता है ना, तो आगे चल के उन्नत हो जाता। असफलता जिस हेतु से आई उसका निवारण कर देता है। मैंने उदाहरण दे दिया, एडिसन थॉमस जिसने बल्ब का आविष्कार किया, वो तो 10,000 बार अपने जीवन में असफल हुए थे, यहाँ तो केवल एक बार असफलता मिली है। झटपट सफलता मिलने की संभावना है, भारत का उत्कर्ष हर दृष्टि से होना ही संभव है। भारत तो यांत्रिक विधा की दृष्टि से भी सबका उद्गम स्थान है। आज जब सफलता होगा तो भारत के इतिहास, भारत इतिहास रचेगा? इतिहास रचेगा ही, इतिहास रचे हमारी भावना है। असफलता से घबरावे नहीं, और सफलता का मार्ग असफलता प्रकट करें। हम ये नहीं कह रहे कि असफल हो जाए, उसे सफलता मिले, देश के लिए गौरव है, विश्व के लिए गौरव है। मेधा की शक्ति, श्रम शक्ति सब भारत की सराहनीय है विश्व स्तर पर।